सो दोस्तों, क्या आप भी अमेजोन का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, जब भी आप अपने अमेजोन को कोई भी उसमें एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आप ऑर्डर लगाते हैं या सिंपली सा गाइस आप उसे ओपन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, यानी ऑटो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अमेजोन शॉपिंग कीप सपोर्टिंग। तो दोस्तों, जब भी आप उसमें शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, या फिर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अमेजोन शॉपिंग कीप्स सपोर्टिंग। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम ये चल रही है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप स्किप करते हैं तो दोस्तों इसका आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या आपको, यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैक करना है। बैक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है अमेजोन, ठीक है। तो जैसे सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपका अमेजोन अपडेट मांग रहा है तो गाइज यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। दोस्तों जैसे आप इसे अपडेट कर देते हैं, अपडेट कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली से गाइज अपना अपना अमेजोन ढूंढ लेना है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, तो यहाँ पर आई बटन पर आपको क्लिक करना है इन्फो ऐप पर। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर आपका इसका फर्स्ट स्टॉप कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके नोटिफिकेशन में जाना है। दोस्तों जैसे आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, सारे नोटिफिकेशन इसके देख लेना है, कोई भी छूटा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे अलाउ होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों परमिशन में जाना है, और परमिशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका लोकेशन जो है वो देख लेना है। यहाँ पर अगर आपका डोंट अलाउ है तो उससे आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसे अलाउ कर देते हैं, कर देने के बाद उससे यहाँ पर आपको बैक आना है, और बैक आना है। बैक आने के बाद उससे यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैश का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कैश जो है 3.90 MB का यहाँ पर हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हो चुका है। तो उसका जो है आपको कचरा यहाँ से इसका साफ़ कर देना, तो यहाँ पर आपको क्लियर कैश कर देना है। दोस्तों जैसे क्लियर कैश कर देते हैं तो यहाँ पर इसका MB जो है जीरो हो गया, और यहाँ से भी इसका टोटल जो है वो कम हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने फ़ोन को जो है एक बार रीस्टार्ट कर देना चाहिए। रीस्टार्ट हफ्ते में एक बार कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन को भी रीस्टार्ट यानी रेस्ट मिल जाए। तो बस इस तरह से कर लेना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर अपने अमेजोन को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कीप सपोर्टिंग से प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर